हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बस। अगर आपका बजट 1000 रुपीज तक है और आपको एक ऐसी ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच चाहिए जिसमें सभी सेंसर्स अवेलेबल हो, तो आज मैं एक ऐसी वॉच का रिव्यू कर रहा हूँ जिसका नाम है हैमर पल्स एस। ये अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुई है, तो आज मैं इस वॉच की अनबॉक्सिंग करूंगा और साथ में बताऊंगा इसके फीचर्स, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि 1000 रुपीज में ये वॉच लेना चाहिए या फिर नहीं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन आ सके, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यह है हैमर पल्स एस का बॉक्स। बॉक्स पर टॉप में है इसका ब्रांड और मॉडल नेम हैमर पल्स एस। सेंटर में इमेज है जो बताता है कि यह वॉच दिखती कैसी है, और नीचे है इसका टैगलाइन एस अप योर स्लीव। साइड में है मेंशन इसके की फीचर्स, जैसे इसमें आपको ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर मिलता है, स्पीकर से म्यूजिक सुन सकते हैं और वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट दिया गया है। बैक में मेंशन इसके स्पेसिफिकेशंस, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स और प्राइस। ये ब्लूटूथ 5.0 पर काम करती है। बॉक्स पर इसकी प्राइस है 4000 रुपीज, बट अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से खरीदेंगे और स्क्रीन पर दिए हुए कोड का यूज करेंगे तो आपको ये मिलेगी सिर्फ 1000 रुपीज में, बट ये कोड सिर्फ 20 अक्टूबर तक ही वैलिड है। तो फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। बॉक्स में सबसे पहले है हमारा हैमर प्लस एस का डायल। नेक्स्ट है ये ब्लैक कलर में स्ट्रैप, दोनों को आगे देखेंगे। बॉक्स में नीचे दिया है ये मैग्नेटिक पॉइंट चार्जिंग केबल वॉच को चार्ज करने के लिए। नेक्स्ट है ये यूजर मैनुअल जिसमें वॉच को पेयर कैसे करना है, यूज कैसे करना है, डूज एंड डोंट्स और वारंटी के बारे में बताया गया है। लास्ट में है ये वारंटी कार्ड। वैसे तो वॉच पर 6 मंथ्स की वारंटी है, बट अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो एडिशनल 2 मंथ्स की वारंटी मिल सकती है। इसमें 1.69 इंच का TFT HD डिस्प्ले दिया गया है विद 240x280 पिक्सल्स, इसलिए डिस्प्ले शार्प और वाइब्रेंट है। टच रिस्पांस भी अच्छा है इसका, UI भी काफी हद तक स्मूथ है, ऐसा कोई लैग वगैरह नहीं दिखता स्क्रोलिंग करते वक्त। फ्रंट ग्लास चारों कॉर्नर से कर्व्ड है और साइड फ्रेम पर क्राउन बटन दिया गया है जो होम बटन का काम करता है, और साथ में है माइक फॉर कॉलिंग। और इतने कम प्राइस में भी इसका साइड फ्रेम जिंक अलॉय मटेरियल का है जो काफी इंप्रेसिव है। यहाँ पर इसका स्पीकर है जहाँ से फोन से कनेक्ट होने पर आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं। बैक में है मैग्नेटिक चार्जिंग पॉइंट और इसके हार्ट रेट और SPO2 सेंसर्स। इसे फुल चार्ज होने में अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा लगता है और 180mAh की बैटरी दी गई है। ओवरऑल लुक्स और क्वालिटी में वॉच प्रीमियम लगती है और कहीं से भी 1000 रुपीज की नहीं लगती। स्ट्रैप के लिए स्किन फ्रेंडली सॉफ्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है और इसकी भी क्वालिटी काफी अच्छी है, और ये स्ट्रैप रिमूवेबल है तो आगे जाकर आप इसमें दूसरे कलर या पैटर्न के स्ट्रैप भी अटैच कर पाएंगे। इंडोर्स में तो डिस्प्ले की ब्राइटनेस काफी अच्छी है, बट आउटडोर में विजिबिलिटी कुछ खास नहीं है, तो 12 बजे की धूप में यूज करने में थोड़ा इशू आ सकता है, और साथ में इसमें ब्राइटनेस एडजस्ट करने का भी कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। हैमर पल्स एस IP67 सर्टिफाइड वाटर रेसिस्टेंट भी है, तो स्वेट या हल्के वाटर ड्रॉप्स इसमें कोई इशू नहीं आएगा। होम स्क्रीन पर साइड से स्वाइप करेंगे तो इसका वॉच फेस चेंज कर सकते हैं। इसमें काफी सारे एडिशनल वॉच फेसेस दिए गए हैं जो मैं आगे बताऊंगा। होम स्क्रीन पर टॉप से स्वाइप करेंगे तो नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। नीचे से स्वाइप करेंगे तो शॉर्टकट बटन आते हैं जिसमें एयरप्लेन मोड, म्यूजिक कंट्रोल्स, पेयरिंग के लिए QR कोड, UI स्टाइल ऑप्शन, डू नॉट डिस्टर्ब मोड और फ्लैशलाइट मोड दिया गया है, जिससे इसका डिस्प्ले फुल ब्राइटनेस पर व्हाइट हो जाता है एज अ फ्लैशलाइट यूज करने के लिए। इसमें 5 UI स्टाइल्स दिए गए हैं, जिसमें पहला है ये ड्यूल रोटरी आइकॉन वाला स्टाइल जो काफी यूनिक दिखता है। सेकेंड है सिंगल सर्कुलर पैटर्न डायल। थर्ड है ये नॉर्मल स्क्रोलिंग वाला स्टाइल जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। फोर्थ है लिस्ट व्यू वाला स्टाइल, और लास्ट में है ग्रिड पैटर्न स्टाइल जो काफी सिंपल दिखता है। अब फीचर्स की बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें आपको हार्ट रेट मॉनिटर मिलता है। इसे ऑन करने पर ये नीचे सेंसर ऑन हो जाता है, और इसमें आपको मैन्युअली ही हार्ट रेट चेक करना होगा, ये ऑल टाइम ऑन नहीं रहता। नेक्स्ट है ब्लड ऑक्सीजन या SPO2 सेंसर जो आजकल काफी काम में आ रहा है कोरोना की वजह से। इसमें हेल्थ ट्राईसाइक्लिक या फिर फिटनेस ऐप भी दिया गया है जिसमें आप अपना स्टेप काउंट, ट्रेनिंग सेशन डिटेल्स, आप कितने देर से खड़े हैं, वॉकिंग के टाइम आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये सारी चीज़ों का ट्रैक रख सकते हैं, और ये सारी डिटेल्स पेयरिंग के बाद फोन पर सिंक हो जाती है। इतनी सस्ती स्मार्ट वॉच होने के बाद भी इसमें ECG चेक करने का भी फीचर दिया गया है, और इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट आपके स्मार्टफोन पर आ जाती है जिससे आप अपने ECG का ट्रैक रख सकते हैं। इसमें 7 स्पोर्ट मोड्स भी दिए गए हैं जैसे रनिंग, बाइक राइडिंग, वेटलिफ्टिंग, बास्केटबॉल, टेनिस, वॉलीबॉल और फुटबॉल, और आप अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से टाइमिंग, BPM, कैलोरीज बर्न्ड और डिस्टेंस जैसी चीजें देख सकते हैं। वॉच को डायरेक्टली यहीं से रीसेट भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर मॉनिटर। इसके डेटा को मैंने सेफ्टी के लिए मेडिकल इक्विपमेंट के साथ भी कंपेयर किया, और इसकी एक्यूरेसी अराउंड 93-95% में है, क्योंकि कभी कभार थोड़ा डिफरेंस आता है वॉच और मेडिकल इक्विपमेंट के रीडिंग में। नेक्स्ट है वेदर ऐप। फोन से पेयर हो जाने के बाद आपके सिटी का वेदर इसमें विजिबल होता है। इसमें स्लीप मॉनिटर भी मिलता है जिसमें आप देख सकते हैं कि आप कितने देर तक और कितनी गहरी नींद में सोए थे, और इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट स्मार्टफोन पर आ जाती है। UI स्टाइल्स तो मैंने पहले ही बता दिया है। मैसेजेस देखने के लिए भी एक डेडिकेटेड ऐप दिया गया है। वॉच को आप एज अ टाइमर स्टॉप वॉच भी यूज कर सकते हैं। स्मार्टफोन के लिए ऐप डाउनलोड करने के लिए इस QR कोड को स्कैन करना पड़ता है। यह वॉच एंड्रॉयड और iOS दोनों पर सपोर्टेड है। मोर ऑप्शन में जाएंगे तो वॉइस असिस्टेंट का फीचर है। अबाउट में जाएंगे तो इसका ब्लूटूथ एड्रेस, मैक एड्रेस, मॉडल नंबर और स्विच ऑफ करने का ऑप्शन है। इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस का भी सपोर्ट दिया गया है इंग्लिश के अलावा।
आप चाहे तो मैन्युअली भी टाइम और डेट सेट कर सकते हैं, बट फोन से जब ये पेयर हो जाएगी तब ये चीजें ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है। डिस्प्ले कितने देर बाद बंद होना है वो भी आप सेट कर सकते हैं, और मुझे काफी अच्छा लगा कि इसमें 3 मिनट तक का मैक्स टाइम दिया गया है। तो ये है फिट प्रो ऐप जिससे आप अपने हैमर प्लस एस वॉच को फोन से पेयर कर सकते हैं। इसका यूजर इंटरफेस काफी सिंपल है। टॉप में है आपका स्टेप काउंट, डिस्टेंस कवर्ड, किलो कैलोरीज बर्न्ट और डेली गोल के डिटेल्स। आपकी पूरी एक्टिविटी डिटेल्स यहाँ पर विजिबल रहती है, जैसे आपका हार्ट बीट, ब्लड ऑक्सीजन, ब्लड प्रेशर की टाइमली रिपोर्ट्स यहाँ पर स्टोर्ड रहती है। स्लीप मॉनिटर में आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितने देर तक और कितनी क्वालिटी नींद ली है, पूरी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। ईसीजी वाला फीचर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है जिसमें पूरा ग्राफ आता है। माई हेल्थ रेटिंग में जाएंगे तो आप अपना बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी फैट जैसी चीज़ें देख सकते हैं जो मोस्टली काफ़ी एक्सपेंसिव वॉचेज में मिलती है, बट ये फीचर इसमें दिया गया है। नेक्स्ट वॉच की कुछ सेटिंग्स है, जैसे पहले है ये रिमोट शटर वाला ऑप्शन जिससे आप वॉच को एज अ बटन यूज कर सकते हैं स्मार्टफोन से फोटो खींचने के लिए। आपको वॉच पर किन ऐप्स के नोटिफिकेशन चाहिए वो यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। आप कुछ कॉन्टैक्ट्स को यहाँ से वॉच में सिंक कर सकते हैं जिससे वो वॉच में फोन बुक में अवेलेबल होंगे स्पीड डायल पर। डायल सेटिंग्स पर जाएंगे तो 100+ वॉच फेसेस अवेलेबल है और आपको सिलेक्शन के लिए काफी वाइड वैरायटी मिलती है। तो चाहे आपको फंकी कलरफुल वाले चाहिए या फिर सिंपल वॉच फेसेस, सभी यहाँ पर अवेलेबल है। फिर आपको अपना वॉच फेस सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको वॉच फेस पर टेक्स्ट कहाँ पर चाहिए वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहे तो कस्टम वॉच फेस जैसे अपने पसंद के किसी भी फोटो को एज अ वॉच फेस अप्लाई कर सकते हैं। फोटो सिलेक्ट होने के बाद आप फोटो को क्रॉप वगैरह करके सेट कर सकते हैं, फिर टाइमिंग वगैरह की प्लेसमेंट करके सिंक डायल कर देना है और बस कुछ ही सेकंड्स में आपका कस्टम वॉच फेस अप्लाई हो जाएगा वॉच पर। बाकी इसमें आप अपना यूजर प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकते हैं और वीकली एक्टिविटी रिपोर्ट भी यहाँ पर विजिबल रहती है। रिस्ट को अपने तरफ रोटेट करने पर वॉच डिस्प्ले ऑटोमेटिक ऑन होता है और इसे ऑन या ऑफ करने का भी सेटिंग दिया गया है। वॉच को एज एन अलार्म क्लॉक यूज करने का भी ऑप्शन दिया गया है और मल्टीपल अलार्म सेट कर सकते हैं। अगर आप काफी देर से आइडल बैठे हैं बिना कोई मूवमेंट के तो सेडेंटरी रिमाइंडर से वॉच आपको कुछ एक्टिवेट करने के लिए रिमाइंड करेगी। फाइंड पर क्लिक करेंगे तो वॉच वाइब्रेट होती है और एक बीप साउंड आता है। वॉच के थ्रू आप म्यूजिक को प्ले, पॉज या सॉन्ग को चेंज कर सकते हैं, और जब वॉच ब्लूटूथ से कनेक्टेड होती है तब आप वॉच से डायरेक्टली म्यूजिक सुन सकते हैं इस स्पीकर के थ्रू, और साउंड क्वालिटी ठीक ठाक है। फोन के सभी नोटिफिकेशंस वॉच में आते हैं जिससे आप कुछ नोटिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं मैसेज के। बाकी इसमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन काफी सारे ऐप्स का सपोर्ट मिलता है, बट यहीं से रिप्लाई करने का ऑप्शन नहीं है। इसमें डेडिकेटेड डायल पैड भी मिलता है तो फोन से ब्लूटूथ से कनेक्टेड रहने पर आप डायरेक्टली यहीं से कॉल कर सकते हैं, या फिर इसमें कॉन्टैक्ट्स भी सिंक होते हैं तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट को क्लिक करके भी कॉल कर सकते हैं। कॉल आने पर डिस्प्ले पर कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन आएगा विद वाइब्रेशन। तो अब चेक करते हैं इसके स्पीकर और माइक को। तो अब इस पर कॉल आ रहा है, चेक करते हैं इसका साउंड। हेलो हेलो, मेरा साउंड क्लियर आ रहा है? साउंड क्लियर है। मेरे पीछे फिलहाल एसी चालू है, उसका कोई बैकग्राउंड नॉइज वगैरह? बैकग्राउंड में कोई नॉइज नहीं है। तो साउंड क्लियर है ना? हाँ। ओके। फाइंड माई फोन ऐप से फोन को लोकेट कर सकते हैं और फोन वाइब्रेट और बीप करना चालू हो जाता है। अब बैटरी बैकअप की बात करेंगे तो कंपनी ने 7 डेज का बैटरी लाइफ क्लेम किया है, बट आपको ये वॉच 4.5 से 5 दिन का बैटरी बैकअप देगी अगर आप काफी ज्यादा कॉलिंग करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू ऑफ हैमर पल्स एस स्मार्ट वॉच। वॉच प्राइस के हिसाब से काफी फीचर रिच है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और ये वन ऑफ द चीपेस्ट वॉच है फ्रॉम अ रेप्यूटेड ब्रांड जो कॉलिंग फीचर के साथ आती है। माइक की क्वालिटी इसकी काफी अच्छी है और स्पीकर क्वालिटी डिसेंट है। अगर आपको ये वॉच बेस्ट प्राइस में खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये वॉच कैसी लगी, और अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे ऐसे ही टेक एंड गैजेट वीडियोस के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।